अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू फखर स्टम्स फेयर। इस मैट लैब की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। लास्ट टाइम हमने डिटेल के साथ देखा था कि सैम्पलिंग और एलियासिंग क्या होती है, और आज हम उसका इफेक्ट भी देख लेंगे कि जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्पेक्ट्रम प्लॉट करते हैं तो अगर एलियासिंग हो तो उसका इफेक्ट कहाँ नजर आता है। नॉर्मली हमारे पास जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैट लैब में फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की कमांड यानी FFT यूज होती है। तो आप इस कोड में देख सकते हैं कि हमारे पास ये FFT है जो कि DFT को इंप्लीमेंट करने के लिए मैट लैब में यूज होता है। ये डिस्क्रीट टाइम फंक्शन है और इसके लिए हमारा x जो है एक डिस्क्रीट सिग्नल होना चाहिए। और नॉर्मली जब भी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल होता है दैट वुड बी इन अपर केस लेटर। कैपिटल एक्स जो है वो x का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब है कि टाइम भी डिस्क्रीट होगा और फ्रीक्वेंसी भी डिस्क्रीट है। यहाँ पर हम गो थ्रू कर लेते हैं सरसरी सा कोड। ये कोड क्या कर रहा है, इसमें हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रहे हैं और जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो हम 2 हर्ट्ज ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल। तो 2 का जो 2 टाइम्स होता है वो 4 होता है, तो मिनिमम 4 होना चाहिए FS और 4 से ग्रेटर होना चाहिए अगर हम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। यानी जो FFT है ये करता क्या है, अगर इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम प्लॉट करें तो हमें ये वाला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट नजर आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर। और फिर हम अपने सिग्नल के सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, 50 हम सैंपल्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी टिक्स आती हैं यानी जो फ्रीक्वेंसी एक्सेस बनता है उसको हम K से डिनोट करते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी बिन भी कहते हैं। उसका फार्मूला है FS डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ पर देखें FS कितना है 50, N की वैल्यू भी कितनी है 50, तो हमारे जो टिक्स नजर आएंगे वो एक एक का डिफरेंस होगा यानी 50/51 आ जाएगा। तो पहले 0 होगा, फिर 1, 2, 3, 4 और इस तरह -1, -2, -3, -4। तो FS जितना ज्यादा होता जाएगा, सैंपल्स आपके कम है तो K की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। इसका इफेक्ट भी हम देख लेंगे। यहाँ पर मैं K को डिस्प्ले भी कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो फ्रीक्वेंसी टिक्स हैं वो कहाँ कहाँ आती हैं। फिर हमने जो DFT का फार्मूला होता है उसमें जो इन एन वेरी करता है स्मॉल एन, ये हम सैम्पलिंग के यूज करेंगे। ये 0 से N-1 यानी अगर N 50 है तो हमारे पास 0 से 49 तक इसकी वैल्यू वेरी करेगी। अगर हमारे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी F है तो सैम्पलिंग टाइम निकालने के लिए यानी टाइम बिटवीन टू सैंपल्स इज 1/FS आपके पास आ जाएगा, और T=NTS हम तब यूज करते हैं जब हम सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा सिग्नल है जी cos 2π FT। तो ये T की जगह क्या आ जाएगा, NTS आ जाएगा जो कि सैंपलिंग हम परफॉर्म कर रहे हैं। N आपका क्या इंटीजर है और TS क्या है सैंपलिंग पीरियड है। उसके बाद हम प्लॉट कर रहे हैं अपने X को प्लॉट कर रहे हैं और फिर उसको टिक्स के साथ प्लॉट कर रहे हैं यानी स्टैम्प प्लॉट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम FFT कंप्यूट कर रहे हैं। ये जो FFT जब हम लेते हैं तो ये हमारा आता है 0 से FS के दरमियान। नॉर्मली हमारा जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो होता है सिमेट्रिक, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट हाफ सैंपल्स होते हैं उनको स्टार्ट में ले आते हैं। यानी हम बेसिकली -FS/2 to +FS/2 प्लॉट चाहते हैं। तो इसको करने के लिए फिर हम FFT शिफ्ट का रूल अप्लाई करते हैं। तो इसको समझाने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैपिटल एक्स है, लेट्स सपोज हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले से कंप्यूट किया है 1:5। इस पर जब हम FFT शिफ्ट लगाएंगे तो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये करेगा कैपिटल एक्स पर कि जो नेक्स्ट हाफ सैंपल्स हैं कौन से नेक्स्ट हाफ, इसका सेंटर क्या बनता है 3 बनता है, तो ये 4, 5 को उठाकर स्टार्ट में ले आएगा। जस्ट चेक इट। तो ये देखें ये 3 सेंटर था क्योंकि 2 सैंपल्स यहां पर 2 इधर, तो इसने 4, 5 को उठाया और स्टार्ट में ले आया। नॉर्मली स्पेक्ट्रम सिमेट्रिक होता है तो आपको जो ये वैल्यू नजर आएगी स्पेक्ट्रम में वो ही इधर नजर वैल्यू आएगी, जो वैल्यू यहां पर है ये यहां पर है। लेकिन क्योंकि मैंने रैंडम एग्जांपल ही आपको समझाने के लिए, यहां पर आपके पास ऑड सैंपल्स थे, अब लेट्स सपोज आपके पास इवन सैंपल्स हैं, आपके पास लेट्स सपोज 6 सैंपल्स हैं इंस्टेड ऑफ 5। तो अब दोबारा अगर आप FFT शिफ्ट लेंगे तो आप देखेंगे इफेक्ट के हाफ क्या बनता है, ये 3 बनता है क्योंकि 6/2 = 3। तो ये नेक्स्ट हाफ सैंपल्स को उठाएगा 4, 5, 6 को और स्टार्ट में ले आएगा। तो इसमें सेंटर हमेशा आपका पहला सैंपल बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर भी आप देखें तो इसमें फर्स्ट सैंपल क्या था, 1 था, तो 1 सेंटर पर बना आफ्टर FFT शिफ्ट। ये देखें ये फ्रीक्वेंसी आपकी 0 पर आएगा, ये -1 पर है -2 यानी -2 -1 0 1 2 इस तरह हाफ डिवाइड करेगा। जब 6 सैंपल्स हैं फिर भी आपका जो 1 है ये 0 फ्रीक्वेंसी पर सेंटर्ड होगा आफ्टर FFT शिफ्ट। क्यों, क्योंकि ये देखें आपके पास 6 है तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 और 0 पर फर्स्ट वैल्यू आई और फिर 1 2। जब इवन सैंपल्स हो तो नेगेटिव सैंपल 1 ज्यादा होंगे क्योंकि -3 से +2 तक है, 0 भी आपका शामिल है उसमें। तो ये करता है FFT शिफ्ट, नेक्स्ट हाफ सैंपल्स को उठाकर स्टार्ट में ले आता है, और ये इफेक्ट हम यहां पर
देख लेते हैं कोड के अंदर। इस वजह से FFT शेफ लेने के बाद ये जो लेंथ ऑफ x से डिवाइड किया उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं ताकि एम्पलीट्यूड नॉर्मलाइज हो जाए और ये माइनस एफ एस बाय टू से प्लस एफ एस बाय टू तक हम फ्रीक्वेंसी एक्सिस को सेट कर रहे हैं और उसके बाद हम कर रहे हैं प्लॉटिंग। अभी हम इसको रन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अब ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इस ग्राफ में आप देखें हमने फ्रीक्वेंसी ली थी टू, एफ इज इक्वल टू, ये देखें आप ले जाए तो आपको एक्स की टू पर वाई की जो एम्पलीट्यूड है वो 0.5 नजर आ रहा है। और आप के वैल्यू देखें, यहां पर देखें के वैल्यू कितनी है, आपके पास टू है, ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फिर फाइव है, यानी के वन आ रहा है। और हमें जो डी एफ टी है यानी जो एफ एफ टी उसके लिए यूज करते हैं वो हमें क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा है हमारे सिग्नल के अंदर। तो ये देखें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा था, टू था, इस वजह से हमें 2 हर्ट्ज पर स्पाइक नजर आई और इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.5। 0.5 होने की वजह यह है क्योंकि हमारे पास जो कोसाइन जो इसका एम्पलीट्यूड है उसका हाफ होता है यानी ए बाय टू होता है, ए क्योंकि यहां पर 1 है तो इस वजह से हाफ को हाफ नजर आया। अब लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूं 2, तो आपको एक इफेक्ट तो स्पेक्ट्रम में ये नजर आएगा। वन से रन इट तो आप यहां पर देखें कि अब आपको ये एम्पलीट्यूड कितना नजर आया, 1 नजर आया क्योंकि अब कोसाइन की मैग्नीट्यूड 2 हो गई। एक तो ये चेंज है। दूसरा जो चेंज है आपको टिक का नजर आया कि के की वैल्यू 1 है क्योंकि आपको के का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भिन्न होती है एफ एस बाय टू। अब यहां पर देखें एफ एस 50 है, एन की वैल्यू कितनी है 50 है, 50 बाय 50 आपके पास 1 आएगा। लेट्स सपोज इसको हम चेंज करके देखते हैं, एफ एस मैंने कर दी 100 सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी और एन की वैल्यू कर दी 50 जो कि टोटल सैंपल्स हैं। और जब हम अपलोड करेंगे यू विल सी के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए बिकॉज एफ एस बाय एन है। ये के एज सच कहीं यूज नहीं हो रहा कि ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर रहा है क्योंकि टेक्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है। लेट्स रन इट और आप देखेंगे कि इस ग्राफ में देखें अब स्पेक्ट्रम आपको ये नजर आ रहा है, ये वैल्यू कितनी है फ्रीक्वेंसी क्योंकि 2 थी, आपको फ्रीक्वेंसी के लिए 2 नजर आ रही है और उसके बाद क्या है 4 और ये क्या है आपके पास 6, 8 और 10। तो आप देख रहे हो के का ऑटोमेटिकली इफेक्ट आपको यहां पर नजर आ गया। लेट्स सपोज अभी हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, एफ एस को दोबारा करते हैं 50 और इसको हम कर देते हैं 30। तो अब देखें एफ एस इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए था लेकिन एफ एस हमारा कम है। वंस आई रन इट तो आप देखें यहां पर हमें कंपोनेंट कहां पर नजर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का हमें 20 पर नजर आ रहा है। हत्ता कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमारी फ्रीक्वेंसी तो 30 है तो इसका मतलब ठीक नहीं है। लेट्स सपोज इसको मैं 50 करता हूं तो फिर भी आपको ये ठीक शो नहीं करेगा जब तक ये रेंज में नहीं है। अब देखें ये 0 पर स्पाइक दे रहा है जो कि एग्जैक्टली रॉन्ग है। तो जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी विद इन रेंज रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 20 कर दूं, अब ये परफेक्टली फाइन है बिकॉज 20 का जो डबल है वो 40 है बनता है और 40 से ग्रेटर है हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने इसको रन किया, यू कैन सी इट, अब देखें 20 और -20 पर आपको स्पाइक नजर आ रही है। लेकिन अगर ये एफ एफ टी शिफ्ट वाला काम मैं ना करूं तो आपको ऐसा ग्राफ नजर नहीं आएगा। इस वजह से यहां पर एडजस्टमेंट की है, या प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से हम देखेंगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, मैथमेटिकली भी करके देखेंगे और एफएफटी से भी उसको हम वेरीफाई करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।